सनी देओल की गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रखा है। फिल्म को रिलीज हुए 16 दिन पूरे हो चुके हैं। तारा सिंह का जादू लोगों के दिलों में दिमाग में उतरने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म की कमाई के मामले में हर एक दिन के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी सनी देओल की गदर 2 वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ के कमाने के पास पहुंची फिल्म। दूसरे हफ्ते में जबरदस्त कमाई के तोड़े सारे रिकॉर्ड। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी यह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। फिल्म ने कमाई के मामले में भारत में तो कोई बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे ही छोड़ दिया, साथ ही विदेशों में भी गदर 2 जबरदस्त कमाई करती नजर आई। गदर 2 वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ के क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रही है। 550 करोड़ के पास पहुंचा कलेक्शन। सनी देओल और अमीषा पटेल की यह फिल्म अब तक दुनिया भर में 547 करोड़ के आसपास की कमाई कर चुकी है। बॉलीवुड हंगामा के अनुसार फिल्म ने 14 दिनों में विदेशी बाजार में फिल्म ने 48 करोड़ रुपए के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया है। दो हफ्तों में गदर 2 का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 547.05 करोड़ रुपए हो गया है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका और यूके जैसे देशों में फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। गदर 2 का घरेलू कलेक्शन। वहीं गदर 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। सकनिल के मुताबिक फिल्म ने 14वें दिन 8 करोड़ 20 लाख तक की कमाई की है। इस तरह से नेट कमाई 418 करोड़ के पार पहुंच गई। 11 अगस्त को रिलीज के बाद पहली बार फिल्म की कमाई सिंगल डिजिट में रही। सेकेंड वीक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बनी दूसरी फिल्म। रिलीज के बाद से अब तक सनी देओल की ये फिल्म कई रिकॉर्ड ध्वस्त करती नजर आ रही है। गदर 2 दूसरे वीक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बनी है। सेकेंड वीक में सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन 143.25 करोड़ के नाम है। इसके बाद अब गदर 2 का नाम आ गया है, जिसने पूरे हफ्ते में 134.47 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है।